दी, हमने गाड़ी लगा दी ऑटो पायलट पे और गाड़ी खुद चल रही है। आ गई हमारी चाय और साथ में मैंने बोला थोड़े से बिस्किट ले, इतने सारे ले आए, चलो जितने खाने होंगे खाऊंगा बाकी उसको वापस कर दूंगा। तो भाई हम लोग पहुंच गए, यहाँ पड़ा है जी कोई हमारा सेंटर, तो बस अभी हम वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और जाओगे खुश होंगे। सो गाइस सीन कुछ जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि बंदे ने यूनिफॉर्म वगैरह पहना हुआ है, क्या सीन है? हाँ यार यूनिफॉर्म वगैरह पहना हुआ है। तो आज है पेपर एक अदर, तो पेपर देने के लिए जा रहे हैं। सेंटर बड़ा दूर पड़ा है, सेंटर पड़ा है गडाब में, तो बस पेपर वगैरह देने के लिए जा रहे हैं। यार चार पाँच दिन ब्लॉग नहीं आ सका, उसकी वजूहत ये थी कि थोड़ा सा काम वगैरह में लगे हुए थे, तो बस निकल रहे हैं अभी पेपर देने के लिए। तो बस चलते हैं, जो भी सीन है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। यार अपना रोज़ ब्लॉग डालना बहुत मुश्किल है, उसकी वजह कि एक दो काम हो रहे हैं वो भी कर रहे होता हूँ साथ साथ, ब्लॉग डेली नहीं हो पा रहा। अरे तो सीन कुछ ऐसा है कि अभी हमारे हम लोग जो चार पाँच दिन थोड़ा आउट ऑफ सिटी था, तो जो स्प्रिंटर थी जो ब्लॉग देखते हैं उनको पता हो, उसका सीन ये हुआ कि जब मैं वापसी कराची पहुँचा ना, कराची टूर के पास वो गर्म हो गई, तो उसकी गैसकेट ना फारिग हो गई, तो पानी वानी डाले घर ले आए, उसके बाद मैंने उसका काम वाम तो नहीं करवाया। तो फिर अब्बू को मैंने फ़ोन किया था रात में, तो मैंने बोला था अब्बू यार कोई गाड़ी वगैरह लेकर आओ, मैंने सुबह पेपर पे जाना है और ऐसी गाड़ी ले, उसको पेट्रोल बचे था हम ना, हमें पास 160 सी गाड़ी खड़ी हुई है, मैंने बस फटाफट वो ले आओ ना। तो अभी आपको गाड़ी दिखा दो, गाड़ी देख के ना मैं हंस हंस के पागल हो गया कि 160 सी ये थी, तो उससे बेहतर ये था कि बड़ा इंजन होता भले, लेकिन बहुत रात चलाइए गाड़ी चलने में, ओके ए सी वगैरह ओके, हमें तो अपना काम निपटाना है। तो लेट्स गो, अपने पेपर वगैरह जो भी ए सी पे देंगे गुजारेंगे, तो चलते हैं और Stay tuned, enjoy. वो खड़ी हुई गाड़ी सही है, अब ये ऑल्टो नहीं समझना, ये खड़ी हुई है वो भी 660 है ना, तो ये खड़ी हुई गाड़ी एवरी है हाँ सुजुकी की एवरी ही होगी क्योंकि हाईजेट 150 की होती है। सो बस अभी इस पर निकल रहे हैं, तो करते हैं इसको भी इंजॉय और आप लोगों को भी इंजॉय कराते हैं और ख़ुद भी इंजॉय करते हैं। So guys, let's go. थोड़ी सी गाड़ी गर्म हो जाए, चलो भाई चलते हैं। यार इसमें तो कैमरा भी नहीं संभाला जा रहा, अजीब सी बात है, यहाँ के बोनट ही नहीं है। हम लोग निकल पड़े हैं, तो अभी मैंने सोचा ये है कि अभी हम लोग ना सुपर हाईवे सुराबगोट से पकड़ेंगे ना, तो सुराबगोट से इजी भी रहेगा मेरे लिए। तो वी आर ऑन द वे, तो सुराबगोट से सीधा सुपर हाईवे पकड़ते हैं, हमें जाना है, हमारी जो लोकेशन है वो है गडाब, तो बस ऑन द वे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। चढ़ चुके हैं और जा रहे हैं अपने सेंटर की तरफ। यार वैसे एक दिन अच्छा हो रहा है सुबह सुबह, एक दिन बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन चलो। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरे को एक एडवांटेज है कि नहीं करके मेरी ट्रिप हो जाती है छोटी सी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, तो मेरी आने जाने की ट्रिप हो जाती है 100-110 किलोमीटर की ट्रिप हो जाती है ना करके। तो बस अभी ये है इस वक्त मेन सुराबगोट, यहाँ पे तो रेस्टोरेंट भी सारे कबाब चीज़ हो गया और ये और वो, पूरी पट्टी में सारे रेस्टोरेंट वगैरह हैं, खैबर शनवारी वगैरह, मुझे तो पता ही नहीं था। तो बस यही है हमारा रास्ता और हम लोग जा रहे हैं। ये आगे जो अभी पुल आएगा, इस पुल के ऊपर हम चढ़ेंगे, वो कहलाता है जमाली पुल। अब आ गया हमारा इंटरचेंज, ये देखें लिखा हुआ है तेसर टाउन और गडाब, तो हम लोग मुड़ जाएंगे गडाब के लिए। जो नो अब यहाँ से है हमारा सफ़र ऑलमोस्ट 31 किलोमीटर होगा हमारा सफ़र, यहाँ से अभी 30 किलोमीटर सफ़र है हमारा। बस स्टे ट्यून, अंकल हट जाओ। हम लोगों ने
बोला कि इतना लंबा सफर कर रहे हैं थोड़ा सा ब्रेक ले लें, और खान साहब आ गए हैं, इनको बोलते हैं हमें चाय पिलाओ और चाय वगैरह पीते हैं। खान चाय पीनी है? एक चाय बस। तो चाय अगर पिए, सर में दर्द हो रहा है, तो फिर उसके बाद से उसके बाद आगे अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। गाड़ी को कर देते बंद, बैठे बैठे चाय का ऑर्डर दिया था। चाय थी मैंने एक चीज, इस गाड़ी में एक ऐसा फीचर है जो किसी एवरी में नहीं होता, सिर्फ इस स्पेसिफिक एवरी के अंदर ये फीचर है। अभी आप चेक करना, झूले वाली सीट। ओए ये झूले वाली सीट किसी एवरी में नहीं, लेकिन इसके अंदर है। बड़ी ठंड हो गई यार, बड़ी ठंड हो गई है। आ गई हमारी चाय, और साथ में मैंने सोचा थोड़े से बिस्किट ले, इतने सारे ले आए, चलो जितने खाने होंगे खाऊंगा, बाकी उसको वापस कर दूंगा। तो अब इसको करते हैं हम थोड़ा सा इंजॉय। नाश्ता मुका लिया है, अब निकलते हैं दोबारा से अपने रास्ते की जानिब। यार अभी भी कस बड़ा रास्ता है यार, चलो जाना तो है, लेट्स गो। तो भाई हम लोग पहुंच गए, यहाँ पड़ा है जी कोई हमारा सेंटर। तो बस अभी हम लोग चलते हैं अंदर, नहीं थोड़ा वेट करेंगे, किसी एक का दोस्त आ जाए फिर उसके साथ अंदर जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी पहुंच गया हूँ मैं। बाइकें तो अंदर खड़ी होती हैं, बाइकों वाले आ गए होंगे, गाड़ी वाला पहला मैं ही आया हूँ, तो ये सीन है। तो बस अभी चलते हैं अंदर, बाकी आपसे मुलाकात होती है पेपर देने के बाद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फाइनली आपका भाई पेपर देकर वापस आ चुका है और निकल रहा है घर की तरफ। तो यहाँ पे सेंटर था, आगे गया था यार, थोड़ी मैंने बोला कोई कुछ खापा शापा हो जाए, हल्का फुल्का भूख लग रही थी, तो थोड़ा समोसा वगैरह खाया है। तो बस अब घर की तरफ निकल रहे हैं, और बस जल्दी घर जाए, फिर एडिटिंग करें, फिर सो जाए, क्योंकि पूरी रात का नहीं सोया हूँ। तो मिलते हैं घर जाके। गाइस ये हमने गाड़ी लगा दी ऑटो पायलट पे, गाड़ी खुद चल रही है यार, इसके एबीएस काम ही नहीं कर रहा है, एकदम से थोड़ा ब्रेक मारो टायर पकड़ लेती है। मेरे साथ सीन हो गया कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, गाड़ी करने करना शुरू कर दी मिस मिसिंग। ये देखें इस हाल में अभी पता नहीं कब घर पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, और जब तक चल रही है चलेगी। गाड़ी बंद हो गई गाड़ी हो भी बंद। अच्छा स्टार्ट हो गई, चल बड़ी चल। ये हो रहा है, मेरा प्रोग्राम बढ़ गया है, अभी देखते हैं क्या होता है। गाड़ी के साथ क्या मसला हुआ है, गाड़ी बंद हो गई और हमने गाड़ी कर दी इधर खड़ी, और अब वेट किया जा रहा है अब्बू का। तो अब्बू आएंगे तो कुछ होगा, तो देखते हैं क्या होता है। तो भाई बहुत गंदा थका हूँ, पूरी रात का नहीं सोया, 12 बजे पेपर ख़त्म हुआ था, ऑलमोस्ट 3:30 हो गए, और स्टिल वेटिंग। जाहिर है उनके लिए भी रास्ता बहुत लंबा है, उतनी दूर से आ रहे हैं, तो बस लगे हुए, देखते हैं क्या सीन बनता है। गाड़ी खड़ी है, जनाजा, तो बस स्टिल वेटिंग फॉर डैडी। घर पहुंच गए हैं, अब्बू आ गए थे मैकेनिक के साथ, तो उसने जो भी गाड़ी वगैरह का काम था, उसने पता नहीं कार्बोरेटर खोलो वगैरह में इंजन का कवर खोला, उसके अंदर पेट्रोल डाला, पता नहीं क्या क्या उसने कारिस्तानी की क्या किया,
बहरहाल गाड़ी स्टार्ट हो गई, एयर फिल्टर खोला, पता नहीं बहुत सी चीज़ें खोल खाल के, फिर इंजेक्टर वगैरह था उसकी तार लगाई, क्या किया व्हाटएवर, तो गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। तो अब घर पहुंच गया, मेरे बाप की तौबा है कि मैं इस गाड़ी में गया, इससे बेहतर है मैं अपनी रेड वाली कल्टा से जो खाला वाली वो उठा के बंदा ले जाए। तो अब तौबा इस गाड़ी में जाने की, तो उसी के साथ इस व्लॉग को, व्लॉग इसलिए नहीं बना पाया उसका क्योंकि यार उधर 52 डिग्री था टेम्परेचर, मतलब मोबाइल में भी एरर आ गया था टेम्परेचर का, तो इसलिए कैमरा वगैरह यूज़ तो हुई नहीं। ज़ाहिर है कैमरा में तो और मज़ीद मोबाइल गर्म होता है तो एरर ही आ गया था टेम्परेचर का, तो कुछ यूज़ ही नहीं हो रहा था मोबाइल। तो इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि मेरे आने वाले व्लॉग का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। खुदा की कसम पूरी रात का नहीं, 2 दिन हो गए नहीं सोए और अभी चक्का है। तो आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें और मेरे अगले व्लॉग का इंतजार करें। अल्लाह हाफिज़। Stunning, thus.